स्क्रीन पर आपको एक फोटो नजर आ रहा होगा, आप इन महाशय को तो अच्छे से ही जानते होंगे। इनका नाम है डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और इस वक्त ये कैसे डॉक्टर है ये तो मुझे पता ही नहीं। इंडिया को इस वक्त, भारत को, हमारे देश को डॉक्टरों की बहुत ज्यादा जरूरत है, पर ये जो डॉक्टर हैं ये घर में आराम से लेटकर आराम कर रहे हैं। अब दोस्तों इनकी बेइज्जती हुई और देश के सामने इन्होंने एक बहुत ही बड़ा झूठ बोला है, और झूठ भी इस तरीके का बोला है कि हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करिए। और झूठ, अब मैं ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री सारे, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अगर कोई झूठ बोलेगा, कोई अफवाह फैलाएगा तो उस पर सख्त से कार्रवाई होनी होगी। अब ये संबित पात्रा पर कार्रवाई करें तो मैं इनको चैलेंज देता हूँ। संबित पात्रा का झूठ जो है बेनकाब करने जा रहा हूँ मैं आपको। स्क्रीन पर देखिए इन्होंने क्या झूठ बोला है। स्क्रीन पर आपको इनका ट्वीट दिख रहा होगा। इन्होंने लिखा है कि फरीदाबाद में जान मोहम्मद और उनके लोगों ने, आशा वर्कर्स जो कोरोना की डाटा एकत्रित कर रहे थे, उन्होंने बेरहमी से मारा। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि सरकार एनआरसी के लिए डाटा इकट्ठा कर रही है। पुलिस जान मोहम्मद और उनके साथियों को गिरफ्तार करने ढूंढ रही है, गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही है। यानी फरीदाबाद में, इन्होंने लिखा कि फरीदाबाद में एक जान मोहम्मद है और उनके साथी यानी उनके लोगों ने, आशा वर्कर, कोरोना का डाटा एकत्रित यानी इकट्ठा करने के लिए आए थे। पर जान मोहम्मद और उनके लोगों ने आशा वर्कर को बहुत बेरहमी से पीटा है, और ये अफवाह फैल गई फरीदाबाद में कि एनआरसी का डाटा इकट्ठा करने के लिए ये लोग आए, आशा वर्कर। अब पुलिस जो है जान मोहम्मद और उनके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही है। दोस्तों अब ये स्पोक पर्सन है बीजेपी के, नेशनल वाइज स्पोक पर्सन है ये दोस्तों, और ये संबित पात्रा अब ये ट्वीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये झूठ तो बोलेंगे नहीं, लोग यही समझेंगे ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अब ये लोगों के दिमाग में देखिए, इन्होंने एक मुसलमान का नाम यूज करा है जो पीट रहा है, यानी जान मोहम्मद और उनके साथी, और आशा वर्कर जो है वो हिंदू है, और इन्होंने ये नाम मतलब हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। अब दोस्तों इनका झूठ कैसे बेनकाब हुआ, आप स्क्रीन पर एक और ट्वीट देखिए फरीदाबाद पुलिस का। फरीदाबाद पुलिस ने रिप्लाई किया है संबित स्वराज को, यानी संबित पात्रा को रिप्लाई करके इन्होंने लिखा है फरीदाबाद पुलिस ने कि सर नमस्कार, श्रीमान आप आशा वर्कर की जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वे फरीदाबाद की नहीं है, फरीदाबाद की ये घटना है ही नहीं। और ये इन्होंने, संबित पात्रा ने कह दिया कि फरीदाबाद में जान मोहम्मद उनके साथियों ने आशा वर्कर को बेरहमी से पीटा है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का झूठ बोलते हैं, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं। मेरी प्रशासन से अपील है इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से भी अपील है कि इनको बर्खास्त करना चाहिए संबित पात्रा को, स्पोक पर्सन से भारतीय जनता पार्टी से। ऐसा माहौल हमारे देश के अंदर चल रहा है, इसमें गंभीर माहौल चल रहा है कोरोना वायरस को लेकर, पर दोस्तों अब भी ये लोग नहीं मान रहे अपनी आदत से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इनकी बातों में कभी भी नहीं आइएगा। अगर आपके पास ऐसे कोई मैसेज आते हैं पहले उसकी पड़ताल करिए, पड़ताल करने के बाद आगे फॉरवर्ड करिए। अगर कोई मैसेज झूठ सेंड करता है तो उसे समझाइए कि ये झूठ मैसेज है, ये झूठ वीडियो, ये फेक वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों पर आप विश्वास बिल्कुल भी ना करिए। आजकल तो न्यूज़ चैनल भी, गोदी मीडिया भी के ऊपर भी आप विश्वास बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि झूठ का अब बाजार बहुत ज़्यादा गर्म है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।